चौथ या चतुर्थी एक त्यौहार है जो कि सावन में आता है। इसे गुजरात में बोल चौथ के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इसे बहुला चौथ कहते हैं। चतुर्थी तिथि को वैसे गणेश जी का दिन माना जाता है, लेकिन ये चतुर्थी कृष्ण चतुर्थी के नाम से विख्यात है। यह त्यौहार मुख्यतः किसान लोगों के द्वारा किया जाता है। इस दिन वे अपने पशु में मुख्य रूप से गाय बैल की पूजा करते हैं। किसानों के जीवन में इन पशुओं का भी मुख्य स्थान है। उनकी वजह से वे फसल और सफल खेती कर पाते हैं, तो गायों और बछड़ों के कल्याण के लिए ये दिन मनाया जाता है। बहुला चौथ सावन माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। यह नाग पंचमी के एक दिन पहले आती है। इस साल में बहुला चतुर्थी 7 अगस्त के दिन पड़ रही है। चतुर्थी शुरू होने का समय 7 अगस्त रात 1:13 से चतुर्थी खत्म होने का समय 8 अगस्त रात 3:30 तक है। बहुला चौथ पूजा का समय शाम को 6:40 से 7:06 तक होगा। बहुला चौथ का एक विशेष महत्व है। बहुला चौथ मुख्य रूप से गुजरात राज्य में कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बहुला चौथ का त्यौहार भगवान कृष्ण के अनुयायी मुख्य रूप से मनाते हैं। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है और कृष्ण जी के जीवन में गायों का बहुत महत्व था। वे खुद एक गाय चराने वाले थे, जो गौ माता को एक माता की तरह ही पूजते थे। बहुला चौथ मनाने का तरीका। गुजरात में बोल चौथ के दिन व्रत रखा जाता है। किसान समुदाय में घर का हर एक सदस्य इस व्रत को रखता है और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मध्य प्रदेश में बहुला चौथ थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। इस दिन घर की औरतें ही व्रत रखती हैं और संतान प्राप्ति और संकट से निदान के लिए प्रार्थना करती हैं। औरतें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये व्रत रखती हैं, साथ ही पूरे परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। किसान समुदाय के लोग इस दिन जल्दी उठकर अपने पशुओं और उनके रहने के स्थान को अच्छे से साफ करते हैं। चावल का कुछ बनाकर पशुओं को खिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उस दिन पशुओं द्वारा कोई भी काम नहीं होता। बहुला चौथ पूजा की विधि। इस दिन पूरा दिन व्रत होता है, जो शाम को पूजा के बाद खोला जाता है। इस दिन मिट्टी से गाय एवं बछड़ा बनाया जाता है। कुछ लोग सोने एवं चांदी के बनवाकर उसकी पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात इस गाय बछड़े की पूजा की जाती है, साथ ही गणेश एवं कृष्ण जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार एवं बाजरा से बनी वस्तु भोग में चढ़ाते और बाद में उसे ही ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति से सुनना चाहिए। गुजरात में इस दिन खाना खुले आसमान के नीचे तैयार किया जाता है और वहीं बैठकर सब खाते हैं। मध्य प्रदेश में इस दिन उड़द दाल से बनने वाले बड़ा का सेवन किया जाता है। वहाँ उस दिन उड़द दाल से बना भोग ही औरतें ग्रहण करती हैं। इस दिन दूध और उससे बनी चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, दही, मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मना है। कहते हैं जो यह व्रत रखता है उसे संकट से आज़ादी मिलती है, साथ ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धन ऐश्वर्य मिलता है। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़े के जोड़े को किसी नदी या तालाब में सिरा दिया जाता है। बहुला चौथ की कथा इस प्रकार है। विष्णु जी जब कृष्ण रूप में धरती में आए थे, उस तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवता को भाती थीं। गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या माखन चोरी कर खाना, इन सभी बातों से वे सबका मन मोह लेते थे। कृष्ण जी लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने
बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई, वे हमेशा उसके साथ समय बिताने लगे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चढ़ने के लिए जाती थी तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चढ़ने के लिए जंगल गई, चढ़ते चढ़ते वे बहुत आगे निकल आई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसने अपने बछड़े का ही ख्याल अपने मन में किया। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे कहा कि वो उसे अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ये सुन हंसने लगा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूँ। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहाँ छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में कृष्ण होते हैं और बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रहीं। समस्त मानव जाति द्वारा सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेगी। कृष्ण जी ने कहा कि वो जो भी ये व्रत करेगा उसे सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। बहुला चौथ का व्रत सावन महीने में ही आता है। इस समय मानसून रहता है और हर जगह बहुत अधिक बारिश होती है। इस त्यौहार के द्वारा सभी पशुओं की सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है ताकि वे अधिक बारिश बाढ़ में सुरक्षित रह सकें। इन चावल से बनी पिन्नी गाय को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको खिलाने से सुख समृद्धि घर में आती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से इसको शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।